तो हेलो भाई लोग, कैसे तो गाइस आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। तो गाइस कैप्सूल नाम की वेब सीरीज है। तो रहमो हालांकि दिन में वो जो बूढ़ा हो जाता है, तो गाइस वो बूढ़ा बन जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा बनता है वो टॉयलेट में जब जाता है, वो बोलता है ईशा को कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे चचा आने वाले हैं। हालांकि वो भाग भी जाती है, तो बाहर वो आके देखता है, खुश होता है कि मैं बूढ़े से जवान हो सकता हूँ, जवान से बूढ़ा हो सकता हूँ। तो वो बूढ़े वाले लुक में आ जाता है। एंड जैसे वो घर पर जाता है, एंड उसके बाद गाइस घर पर जाता है और उसकी बीवी आ जाती है। जैसे बीवी आती है वो बोलता है कि सुबह रहमो आएगा, मतलब सॉरी मेरे कोई दोस्त आएगा, वो यहाँ पे रह के स्टडी करना चाहता है। और वो हालांकि वही खुद बन गया ना होता, उसने जवान, तो वो बोलता है कि मेरे को अगले दिन काम पे जाना, क्योंकि वो जाएगा तभी तो वो जवान वाला आएगा। तो उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलेगा, चूँकि विजय होता है हालांकि ईशा के साथ, हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ईशा उसके साथ खुश नहीं रह पाती, हालांकि वो गुस्सा होकर चला जाता है, वो पूछता है कि तुम्हें कोई और विजय मिल गया है ऐसा वगैरह। उसके बाद गाइस हमें कुछ और चीज़ देखने को मिली नताशा के साथ। नताशा में गाइस हमें शनाया का तीर देखने को मिलेगी, बोलती है कि तुम मुझे लीड में दोगे ये वगैरह वगैरह, हालांकि वो उसे बोलता है कि लीड तो मैं तुम्हें दूंगा। तो उसके बाद गाइस वो विजय रहमो जवान होके आ जाता है, वो तभी उसे आके डिस्टर्ब कर देता है। जैसे वो आके डिस्टर्ब करता है वो घर पर भी आता है, एंड घर पर आता है तो गाइस वो रहमो की पत्नी के साथ भी हमें उसके कुछ और चीज़ देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद गाइस वो बोलता है कि विजय तुम हमेशा गलत टाइम पर आते हो और मुझे डिस्टर्ब करते हो। घर में एक नई मॉडल आ जाती है, मॉडल जैसे आते वो बोलते हैं कि मैं चलो हमारा फोटो शूट कर दूँ। उधर गाइस ईशा उसके प्यार में पागल हो जाती है, हालांकि वो उसे बहला बुझला कर वहाँ से चला जाता है। तो गाइस वो फोटो शूट करता है नई लड़की का और उसके साथ थोड़े से और सीन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वेब सीरीज का एंडिंग सीन भी देखने को मिलेगा, आप इसे गाइस जाकर देख सकते हो स्नाइन ऐप पे। तो गाइस स्नाइन ऐप की वेब सीरीज का गाइस नाम है कैप्सूल, चाहिए अगर आपको देखना है। मिलते हैं कोई अगली वीडियो या फिर अगली वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन में।